नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 14 जुलाई दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबर। भरतपुर एसीबी ने उज्जैन थाना इलाके में कार्रवाई करते हुए एक एएसआई को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। परिवादी नितेश निवासी रिछोली के खिलाफ उसके ही गांव के एक व्यक्ति विजेंद्र ने प्लाट पर कब्जा करने का मामला उज्जैन थाने में दर्ज करवाया था, जिसकी जाँच एएसआई अमीर चंद कर रहा था। अमीर चंद ने मामले में एफआईआर लगाने और कोर्ट में 147 की कार्रवाई से बचने के लिए नितेश से 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी। 11,000 रुपए में सौदा तय हुआ, जिसके बाद एएसआई ने नितेश से 1,000 रुपए पहले ही ले लिए। नितेश ने टोल फ्री नंबर पर एएसआई के खिलाफ जयपुर में शिकायत दी। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी ने एएसआई को 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। कोटा जिले में 4 साल की मासूम से रेप करने वाले 70 साल के बुजुर्ग को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। रेपिस्ट कोई और नहीं बल्कि होने वाले फूफा का पिता है। 7 महीने पहले बच्चे के घर में ही उसने दरिंदगी की थी। मामला पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दीपक दुबे की कोर्ट में चल रहा था। दुष्कर्मी 70 वर्षीय गोपाल लाल निवासी कोली मोहल्ला छालरा पाटन हाल निवासी आवली रोजड़ी कोटा पर कोर्ट ने 20,000 का अर्थ दंड लगाया है। विशेष न्यायाधीश दीपक दुबे ने अपने फैसले में कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि रेपिस्ट 72 साल का वृद्ध व्यक्ति है, फिर भी उसने अपनी उम्र और नैतिकता की सभी सीमाओं को तोड़ते हुए घोर दुस्साहस दिखाकर 4.25 साल की मासूम बालिका के साथ घृणित कार्य किया। इसके जितनी निंदा की जाए कम है। ऐसे व्यक्ति के साथ नरमी का रुख अपनाए जाने पर समाज में मासूम लड़कियों के साथ न्याय नहीं होगा। यदि पीड़िता की मां साहस नहीं दिखाती तो मासूम की बात को सुनने समझने वाला कोई नहीं था। कोर्ट पीड़िता बालिका की मां की जागरूकता और साहस के मुक्त कंठ से सराहना करता है, साथ ही समाज को यह संदेश देना चाहता है कि किसी भी सूरत में इस प्रकार के घृणित कृत्यों का मूक दर्शक बनकर नहीं रहना चाहिए। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के 430 पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसके तहत 385 पदों पर नॉन टीएसपी जबकि 45 पदों पर टीएसपी क्षेत्र में पोस्टिंग दी जाएगी। उम्मीदवार 13 अगस्त तक बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद 21 अक्टूबर को भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसमें सिलेक्ट होने पर उम्मीदवारों को मेरिट के आधार पर पोस्टिंग दी जाएगी। भर्ती परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी के पास बीएससी कृषि या बीएससी कृषि उद्यान ऑनर्स या फिर किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 योजना के अधीन कृषि के साथ सीनियर माध्यमिक या पुरानी योजना के अधीन कृषि के साथ उच्च माध्यमिक होना चाहिए। इसके साथ ही देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में काम करना आना चाहिए। राजधानी जयपुर की मुरलीपुरा थाना पुलिस ने एक छात्र ब्लैकमेलर 23 वर्षीय दीपक कुमार प्रजापत निवासी बयाना को भरतपुर से अरेस्ट किया है। वह एडिट न्यूड फोटो को पोस्ट कर लड़कियों को ब्लैकमेल करता था। सोशल मीडिया से लड़कियों की फोटो चुराने के बाद एडिट कर न्यूड फोटोज बनाता, इंस्टाग्राम पर बनाई फेक आईडी से उनको पोस्ट कर ब्लैकमेल करता। पुलिस ब्लैकमेलर से पूछताछ कर रही है। डीसीपी वेस्ट संजीव नैन ने बताया कि 13 मई को मुरलीपुरा निवासी युवती ने रिपोर्ट दी कि इंस्टाग्राम पर किसी अनजान व्यक्ति ने अपनी आईडी पर उसकी फोटो अपलोड कर दी है। 3 दिन से उसकी फोटो का मिसयूज कर धमका रहा है। न्यूड फोटोज पर उसका चेहरा लगाकर एडिट कर उसको भेज रहा है। फोटो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहा है। कांस्टेबल अनिल कुमार ने आरोपी को ट्रेस आउट किया और भरतपुर में दबिश देकर आरोपी दीपक कुमार को पकड़ लिया। उदयपुर की सवीना थाना पुलिस ने 3 दिन पहले गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के गेट पर मिले महिला की हत्या के मामले में उसके प्रेमी तितरड़ी स्थित फांदा गांव निवासी प्रेमचंद्र गमेती को गिरफ्तार कर लिया है। थानाधिकारी योगेंद्र व्यास ने बताया कि 9 जुलाई की रात में प्रेमचंद्र और उसके प्रेमिका पुष्पा ने शराब पी, नशे में दोनों के बीच झगड़ा हुआ तो उसने गुस्से में पुष्पा को पीट दिया, जिससे उसके सिर में चोट लगी जिससे उसकी मौत हो गई। जांच में सामने आया कि मृतका पुष्पा पहले पति की मौत के बाद 10 साल से प्रेमचंद्र गमेती के साथ रह रही थी। जानकारी के अनुसार फांदा गांव स्थित गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के नीचे रोड वाले गेट पर एक महिला का शव पड़ा मिला था। पुलिस को उसके प्रेमी पर शक था। प्रेमी से सख्ती से पूछताछ की तो उसने सच कबूल कर लिया। अजमेर जिले के मसूदा थाना अंतर्गत 18 वर्षीय युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है।
18 वर्षीय पीड़िता ने न्यूड फोटोज के जरिए ब्लैकमेल कर जोधपुर ले जाकर डरा धमकाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए दो युवकों के खिलाफ शिकायत दी है। पीड़िता ने बताया कि 3 महीने पहले युवक अर्जुन और उसके परिवार के अन्य सदस्य उसके घर पर शादी के रिश्ते के लिए आए थे। पिता से बात करने के बाद वह चले गए। करीब 2 महीने पहले युवक अपने एक अन्य दोस्त को लेकर घर आया। इस दौरान वह नहा रही थी। इसी बीच आरोपी युवक ने परिवार के अन्य किसी सदस्य के नहीं होने का फायदा उठाकर उसके साथ छेड़छाड़ की। उसके दोस्त ने फोटो खींच ली। जुलाई 2023 में युवक और उसका दोस्त बाइक पर आए और फोन कर गांव से बाहर बुलाया। साथ चलने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया। युवक ने साथ नहीं चलने पर फोटो वायरल करने की धमकी दी। बाद में उसे बाइक पर बैठाकर ब्यावर ले गए। वहां से एक कार में जोधपुर ले गए, जहां उसे डरा धमकाकर दुष्कर्म किया। आरोपी युवक का दोस्त भी उसकी निगरानी के लिए वहीं पर मौजूद था। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यमुना नदी के 45 साल पुराने रिकॉर्ड टूटने के बाद दिल्ली में बाढ़ की स्थिति के बीच उत्तर रेलवे ने कई मार्गों पर कई ट्रेनों को निलंबित कर दिया है। रेलवे द्वारा दिए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक 7 से 13 जुलाई के बीच करीब 260 यात्री सेवाएं रद्द कर दी गई हैं। उत्तर रेलवे के CPRO दीपक कुमार ने IANS से बात करते हुए कहा, जब से हमने 7 और 8 जुलाई से ट्रेनें रद्द करना शुरू किया है, तब से रोजाना औसतन 30 से 32 ट्रेनें रद्द हुई हैं। उन्होंने कहा कि रेलवे ने 7 से 13 जुलाई के बीच करीब 260 ट्रेनें रद्द कर दी। इसी बीच रेलवे अधिकारियों ने कहा कि रेलवे ट्रैक पर पानी और बाढ़ जैसी स्थिति के कारण दिल्ली चंडीगढ़ और कई अन्य मार्गों के बीच कई ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट और डाइवर्ट किया गया है। राजधानी के कई निचले इलाकों में बाढ़ के बाद हजारों लोगों को वहां से हटाया गया है, जबकि सड़कों पर पानी भर जाने के कारण दिल्ली की कई सड़कें यातायात के लिए बंद कर दी हैं। जयपुर में लुटेरी दुल्हन 3 दिन बाद ही गहने कैश लूटकर एक दुल्हन फरार हो गई। सुहागरात को लेकर पति को बहाना बनाकर बेवकूफ बनाती रही। बिंदायका थाने में पीड़ित 35 वर्षीय दुल्हे ने लुटेरी दुल्हन गैंग के खिलाफ दर्ज रिपोर्ट में बताया कि वह प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। अप्रैल में पड़ोसी गोपाल प्रजापत ने उसकी शादी करवाने को कहा और शादी में पैसा खर्च करने की डिमांड रखी। गोपाल के दोस्त पप्पू जांगिर ने यूपी के परिचित एजेंट खान को कॉल कर बातचीत कर शादी के लिए खर्चा तय कर लिया। एजेंट ने शादी के एवज में 1.5 लाख रुपए मांगे। 16 अप्रैल को लड़की और उसके परिजन जयपुर आए। सिंधी कैंप से तो होटल में पड़ोसी गोपाल और पप्पू दोनों उसे लेकर होटल पहुंचे। होटल में 2 लड़कियां 23 वर्षीय अंतिमा व उसकी बुआ 29 वर्षीय उर्मिला, उनका भाई और एजेंट खान आए थे। शादी के लिए 29 वर्षीय उर्मिला को दिखाया। पसंद नहीं आने पर 23 वर्षीय अंतिमा से शादी का ऑफर किया। 19 अप्रैल को खिरणी फाटक स्थित गणेश मंदिर में शादी करवाई। दुल्हन 3 दिन बाद सोने चांदी के गहने कैश और मोबाइल लूटकर फरार हो गई। सीकर जिले में सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपी ने 2 लोगों को हाईकोर्ट में नौकरी लगवाने के नाम पर 2.5 लाख रुपए ऐंठ लिए। दांता निवासी सत्य नारायण ने दी रिपोर्ट में बताया कि गांव में ही चाय की दुकान है। पड़ोसी गांव के शिवपाल ने उसे कहा कि उसकी राजस्थान हाईकोर्ट में अफसरों से अच्छी जान पहचान है। वहां चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती निकली है। यदि कोई तुम्हारा जान पहचान का है तो मैं उन्हें नौकरी लगा सकता हूँ। सत्यनारायण ने कहा कि उसके परिचित विजय कुमार और जितेंद्र कुमार हैं, जो पढ़े लिखे हुए हैं। शिवपाल ने एक आदमी को नौकरी लगवाने के नाम पर 3 लाख रुपए मांगे। शिवपाल ने विजय और जितेंद्र से 2.5 लाख रुपए ले लिए, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं लगवाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साइबर क्राइम पलवल हरियाणा में दर्ज एक ठगी के मामले में वांछित चल रहे भरतपुर जिले के जरहरा थाना क्षेत्र के गांव खैचातान निवासी साइबर ठग को स्थानीय थाना पुलिस तथा साइबर क्राइम पलवल की संयुक्त टीमों द्वारा गिरफ्तार किया गया है। थानाधिकारी जयप्रकाश सिंह ने बताया कि शातिर अपराधी मुकीम निवासी खैचातान थाना जरहरा को मोबाइल लोकेशन के आधार पर गिरफ्तार किया है। उक्त आरोपी ऑनलाइन ट्रैक्टर बेचने के झूठे विज्ञापन सोशल मीडिया पर भेजकर लोगों से ठगी करता था। थानाधिकारी ने बताया कि साइबर क्राइम पलवल की पुलिस निरीक्षक रेणु शेखावत अपने जाप्ते के साथ उक्त आरोपी की तलाश में आई थी, जिनका सहयोग कर उक्त आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए उसके घर पर दबिश दी गई और आरोपी मुकीम को पकड़ लिया।
नागौर जिले के कुचामन सिटी थाना पुलिस ने एक साल पहले युवती से हुए रेप के मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 6 जुलाई 2023 को जिले की युवती ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि गजानंद नाम के युवक ने उसको डरा धमका कर उसके साथ रेप किया। युवती ने बताया कि आरोपी ने उसके साथ रेप एक साल पहले किया था, लेकिन जान से मारने की धमकी के चलते उसने किसी से शिकायत नहीं की। आखिर में परेशान हो वो थाने पहुंची और आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दी। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए गंगा सागर रोड शिव मंदिर के पास नामा के रहने वाले 28 साल के गजानंद कुमावत को गिरफ्तार कर लिया।